इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स IIA यूपी चैप्टर 9 से 11 फरवरी 2024 तक लखनऊ में अपने राष्ट्रीय सम्मेलन IIA नेटकॉन 2024 का आयोजन कर रहा है। ये सम्मेलन ऐतिहासिक शहर लखनऊ के शहीद पथ पर स्थित इकाना स्टेडियम में आयोजित होगा। 3 दिन का ये कार्यक्रम सर्वधन यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के मुख्य विषय के साथ आयोजित किया जा रहा है। IIA नेटकॉन 2024 का लक्ष्य भारतीय भवनों के निर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में तेजी से विकास के लिए चुनौतियों पर चर्चा करना और उनका समाधान ढूंढना है। सर, राजधानी लखनऊ के इकाना स्पोर्ट्स सिटी में नेटकॉन 2024 का आयोजन होने जा रहा है, किस तरीके का आयोजन रहेगा, दर्शकों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं? सबसे पहले तो बता देना, मेरा नाम आर्किटेक्ट संदीप सारस्वत है, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के उत्तर प्रदेश चैप्टर का चेयरमैन हूँ। जैसा कि आपने पूछा, 9-10-11 फरवरी में इकाना स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक काफ़ी बड़ा आयोजन हो रहा है जिसका नाम है नेटकॉन। नेटकॉन अर्थात नेशनल कन्वेंशन या राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। हर साल एक बार हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में इस तरह का आयोजन किया जाता है। इस साल कई सालों बाद, 15-16 साल बाद, उत्तर प्रदेश को ये सौभाग्य मिला है कि हम लोग इस बार नेशनल कन्वेंशन अपने यहाँ होस्ट कर रहे हैं। इस कन्वेंशन की मुख्यतः 3-4 अलग अलग हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा है राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें हिंदुस्तान भर के लगभग 1000 आर्किटेक्ट, उत्तर प्रदेश के लगभग 500 आर्किटेक्ट, 300 से 500 के बीच में स्टूडेंट्स, लगभग 200-250 के करीब बिल्डिंग मटेरियल वर्कर्स इकट्ठे होते हैं। हम लोग विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। बहुत सारे पेपर प्रेजेंटेशन होते हैं जो हिंदुस्तान भर में लोग काम कर रहे हैं, जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके ऊपर, एक दूसरे को से सीखने और समझने का मौका हम लोगों को मिलता है। बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के स्पीकर्स, आर्किटेक्ट्स जैसे चार्ल्स बिलिंगर, यतिन पांड्या, आशीष सोमपुरा जी जिन्होंने राम मंदिर का के आर्किटेक्ट हैं, उसका निर्माण उनके द्वारा संभव हो पाया, उनके फैमिली के द्वारा, पोनी कॉन्सर्विस, इस तरह के 8-10 नोटिव स्पीकर्स हमारे पास आ रहे हैं जो हम लोगों के आर्किटेक्ट के साथ बैठकर अपने कार्यों के बारे में बताएंगे, हम लोग उनसे चर्चा करेंगे। कई पैनल डिस्कशंस हमारे हैं जिसमें सिटीज़ के डेवलपमेंट के ऊपर, हिस्टोरिकल सिटीज़ के ऊपर, इवन प्रोफेशनल प्रैक्टिस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 दिन के अंदर मुझे उम्मीद है कि कुछ सार्थक प्रयासों से हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे और यहाँ से लौटने वाले लोग पहले से परिष्कृत होकर लौटेंगे। हम लोगों का थीम भी जो है संवर्धन है, जिसका अर्थ ही यही है कि हम लोग किसी भी चीज़ को कैसे एनरिच कर सकते हैं, कैसे उसका प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरा पार्ट हम लोगों का एक है जो स्टूडेंट्स के लिए है। आज जो स्टूडेंट्स हैं वही 2-3 साल बाद आर्किटेक्ट होंगे, प्रोफेशनल फील्ड में आएंगे। उन लोगों को एक बहुत अच्छा मौका मिलता है सीनियर आर्किटेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करने का, लोगों से बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन देखने का, ये एक बहुत अच्छा उनको मौका मिलता है। तो लगभग प्रदेश के 300 से 500 स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चरल स्टूडेंट भिन्न भिन्न कॉलेजेस से हैं, वो आ रहे हैं, उनकी हम लोग 3 दिन तक वो यहीं रहेंगे। एक अन्य आयाम जो इसका है, हम लोग क्या कर रहे हैं सर, बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन के में एक काफ़ी बड़ी कंपनीज, लगभग 160-180 के करीब कंपनीज आ रही हैं जो अपने प्रोडक्ट्स का वहाँ पर डिस्प्ले करेंगी। वहाँ पर ये बेसिकली पब्लिक के लिए ज़्यादा है, उससे पब्लिक में जो भी आदमी अपने मकान बनवाने का प्लान कर रहा है या बनवा रहा है, उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इतने सारे नए उत्पाद मिलेंगे। हो सकता है कुछ कंपनीज वहाँ पर एक अच्छे डिस्काउंट्स भी ऑफर करें अगर वहाँ से कोई आदमी सामान खरीदे, और कम से कम एक ही लाइन में आपके पास 4 प्रोडक्ट होंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं, प्राइस कंपेयर कर सकते हैं, क्वालिटी कंपेयर कर सकते हैं। आर्किटेक्ट्स के लिए भी एक अच्छा अनुभव होगा क्योंकि उन्हें भी एक साथ इतनी सारी कंपनीज को के स्टॉल देखने का मौका मिलेगा। जहाँ तक मेरे को जानकारी है, आसपास के शहरों से काफ़ी सारे लोग सिर्फ इस बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन को देखने के लिए आ रहे हैं। एक और बहुत इनोवेटिव काम हम लोगों ने इसमें किया है कि जितने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जो नॉर्मली अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं, उनको कई कंपनियां ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी वहां पर, और ट्रेनिंग के बाद उनको एक सर्टिफिकेशन देंगे कि ये प्लम्बर, ये इलेक्ट्रीशियन, ये कारपेंटर इस काम में दक्ष है या इसको ये ट्रेनिंग दी गई है। उससे उन लोगों का डेवलपमेंट भी होगा, उनका रोजगार भी बढ़ेगा, और लोगों के घरों में जो आम प्रॉब्लम आती है अनस्किल्ड वर्कर्स की वजह से वो भी कम होगी। तो ये कुल मिलाकर ये एक बहुत बढ़िया एक आयोजन रहेगा जिसमें हमारी फ्रेटर्निटी के 4 सेक्टर्स को बड़ा बेनिफिट होगा। सर, पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, लखनऊ अपने आप में ही राम मंदिर का भी निर्माण हो गया, तो कुछ ऐसा भी मौका देंगे कि जो अतिथि उत्तर प्रदेश आ रहे हैं उनको लखनऊ घूमने का और अयोध्या जाने का मौका मिले? इस बार राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए जब हम लोग बिड कर रहे थे तो हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था, पिछले कई सालों में उत्तर प्रदेश जिस तरह से निरंतर प्रगति कर रहा है, लोगों में बड़ी उत्सुकता है उसके बारे में, लोगों को में बहुत उत्साह था लखनऊ आने का, और जब उन्हें पता चला कि राम मंदिर भी 15 दिन पहले ही उद्घाटन जिसका हो रहा है, तो वो उत्साह और बढ़ गया।
हम लोगों ने अपने अतिथियों के लिए, खासतौर से जो बाहर से आ रहे हैं, लखनऊ के लिए मैं दो हेरिटेज वॉक 10 तारीख की सुबह और 11 तारीख की सुबह की है, ताकि वो शहर को लोकली देख सकें, यहाँ के व्यंजनों को देख सकें, यहाँ की बिल्डिंग को देख सकें, यहाँ की कारीगरी को देख सकें। और 12 तारीख के उपरांत हम लोग यूपी टूरिज्म के माध्यम से अयोध्या की ट्रिप कर रहे हैं। दूसरी ट्रिप हमारी है जो एक दिन अयोध्या जाके फिर वहाँ से वाराणसी जाएगी। इस तरह से यूपी टूरिज्म का, यूपी का जो जो ग्लैमर है या जो यूपी की जो बिल्डिंग्स हैं उनका चीज़ सारे देश में प्रचलित होगी। मैं प्रज्ञा सिंह हूँ, आर्किटेक्ट प्रज्ञा सिंह। सबसे खुशी की बात पहले ये है कि यूपी में पहली बार एक इस तरह का एक मौका है, हमें जो एग्जीबिशन है ये, इसको हम लोग यूपी पहली बार इसको होस्ट कर रहा है, जिसमें कि देश भर से बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स आएंगे, लोग आएंगे, अलग अलग जो बिल्डिंग मटेरियल्स की कंपनीज हैं वो आ रही हैं अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के लिए। और क्योंकि मैं महिला हूँ तो मैं महिला होने के नाते बताना चाहूँगी कि घर के डेकोरेशन में महिलाओं को एक स्पेसिफिक योगदान होता है, तो उसके मद्देनज़र ये उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज जो कि इंटीरियर्स और कंस्ट्रक्शन में हैं, उनका उनके प्रोडक्ट्स को देखने का मौका बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा लोग आएँ और इसका हिस्सा बने। चैनल देशभर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।